नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट, जहां अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ लेकिन दावेदारी जरूर हो रही है। अमेठी को लेकर राहुल गांधी पर बने सस्पेंस को खत्म करने के लिए सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अमेठी से चुनाव लड़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं। तो वहीं रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के भी संदेश दे दिए गए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेठी से मैं हूं और प्रियंका रायबरेली से हैं। सियासत में रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री की तैयारी, क्या अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं रॉबर्ट वाड्रा? क्या रॉबर्ट वाड्रा के हाथ में आएगी कांग्रेस की विरासत? ये सवाल इत्तेफाकन नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जो इशारा कर रहे हैं वो तो यही कहता है कि सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अब अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सुनिए क्या दलील और क्या पिच तैयार की है रॉबर्ट वाड्रा ने। जो वहाँ की अभी सांसद हैं, उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। यही वजह है कि जिस ग्राउंड पर रॉबर्ट वाड्रा अमेठी के रण में कूदने की मंशा जाहिर कर रहे हैं, वो ग्राउंड ही अपने आप में सारी कहानी बयां करता है। शायद यही वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जमीनी पकड़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। ऐसे में अब एक बहुत जमीन पर व्यापक प्रभाव रखने वाले नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा। ऐसे लोग जो अमेठी से पलायन कर गए, जिनका 5 साल से अमेठी से उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, वो ये तय करेंगे। ये निर्णय अमेठी की जनता को करना है और अमेठी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता तरुण चुग ने इसे एक बार फिर कांग्रेस की वंशवाद वाली राजनीति से जोड़ दिया। केवल गांधी नाम लेकर अपनी राजनीति करना और ऐसा सोचना कि ये वंश ही उन्हें सब कुछ दिलाएगा, अब देश की जनता परिवारवाद से हाथ जोड़ बैठी है और लोकतंत्र के लिए परिवारवाद एक काम। मौजूदा वक्त में कांग्रेस और यूपी के समीकरणों की बात करें तो यूपी से कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। इनमें से सिर्फ 3 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, जिनमें रायबरेली और अमेठी की सीट है। तो क्या इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की उलझन रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी को टिकट देने के बाद खत्म होगी? अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे हैं और उसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्टर भी वायरल किया गया, जिसपे लिखा है, परायों ने दिया धोखा बार बार, छोड़ कर गए पार्टी, वक्त है अब अपनों पर विश्वास का, चुनो उन्हें जो साथ दे जीवन भर। पोस्टर में नीचे लिखा गया है, राहुल प्रियंका गांधी सेना। तो ये पोस्टर है जो कि अमेठी में लगाया गया है। जन जन के मन का भाव, अमेठी मांगे बदलाव, रॉबर्ट वाड्रा जी बने बदलाव का चेहरा, ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। राहुल प्रियंका गांधी सेना इस पोस्टर के नीचे लिखा गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल ने कहा कि सपा के डीएनए में ही अपराध और अपराधियों को संरक्षण देना है और यही वजह है कि शिवपाल यादव वोटर्स को धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। के बारे में पूरा भारत का जनमानस जानता है कि वो बिना सांसद रहे हुए, क्योंकि वो जमाई हैं,
सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के बनोई हैं, तो किस तरह से उन्होंने डकैती डाली है जमीनों पर, हरियाणा में, राजस्थान में जो कब्जे किया उसके मामला चल रहा है, जांच चल रही है, तो अमेठी वाले पढ़ते ही सशंकित हो गए हैं कि कहीं ये लड़ गए तो हमारी जमीनों का क्या होगा। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए उनकी हिम्मत नहीं लड़ने की, और माननीय स्मृति ईरानी के सामने ये कहीं खड़े नहीं हो सकते। और रॉबर्ट वाड्रा की कृतियों से ना केवल अमेठी के लोग, पूरा प्रदेश जानता है, लड़ लें अगर हिम्मत हो तो। बिल्कुल सर, जिस तरीके से शिवपाल यादव का एक बयान आया, सीधे तौर पर वोट की मांग करते हुए चेतावनी भी वोटरों को दी है, अगर वोट नहीं दिया जाता है तो उसको परिणाम की बात भी उन्होंने कही है। बिल्कुल, शिवपाल जी की ये कोई नई आदत नहीं है। डकैतों का प्रयोग किया जाता था इटावा में, चित्रकूट बांदा में, और कहा जाता था मुहर लगेगी फला पार्टी पर, नहीं तो गोली पड़ेगी छाती पर। निर्भय गुजर होता था, बहुत बड़ा डकैत जो बाद में मारा गया, एसटीएफ ने मारा, उसने कहा था मैंने फला नेता को, नहीं परिवार को, सोने का मुकुट पहनाया, चांदी का मुकुट पहनाया, ददुआ का इस्तेमाल होता था। अरे इनकी पार्टी तो छबिराम का इस्तेमाल करती थी, जिसने 9 पुलिस वालों की हत्या अलीगंज थाना एटा में किया था 1981 में। और सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार अभियान कर रहे हैं। इसी के तहत सीएम योगी बागपत लोकसभा सीट पर बीजेपी और आरएलडी के साझा प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के लिए प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान मंच पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में सीएम योगी ने न सिर्फ सरकार की उपलब्धियां गिनवाई बल्कि विरोधियों पर भी तीखा प्रहार किया। आज से चुनाव की गर्मी प्रारंभ हो जाएगी। ये बागपत है, इसके लिए तो महाभारत हुआ था, आप जान रहे हैं ना। भगवान हस्तिनापुर आए हैं और पांडवों का संदेशा लेकर आए हैं। आपने पंक्तियां भी सुनी होंगी जब भगवान ने हस्तिनापुर में कहा था कि देना हो तो आधा दो, लेकिन अगर इसमें भी कोई बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। उन 5 गांवों में बागपत भी एक था। आज से 5000 वर्ष पहले और 5 गांव जिनमें बागपत एक गांव है, और बाकी जो कसर होगी क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बहुत तेजी से बातों को समझते हैं और निर्णय लेते हैं। हम लोग तो विपक्ष में भी रहे, हमने देखा कुछ बातें विपक्ष में रह के हम बोल नहीं सकते, अब जो साथ आ गए तो कह सकते हैं। देर नहीं लगाते, जो बात समझ में आ जाती है वो तुरंत कर देते, कलम चल पड़ती। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर पी चिदम्बरम और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। इस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियां शामिल हैं। ये गारंटियां अलग अलग वर्गो जैसे युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के लिए तैयार की गई है। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं,
इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने करारा हमला बोला। चुरू की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा, घोषणा पत्र नहीं, हमारे पास संकल्प पत्र है। हमने 2019 के सभी संकल्प पूरे किए, कोविड काल के बावजूद वादा पूरा किया। बीजेपी जो कहती है वो जरूर करती है। पीएम मोदी ने और क्या कहा, आप भी सुनिए। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और दो साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।